भाई हमने चाय बनाई और 1 घंटे बाद लीकर काली पड़ गई। चाय काली क्यों पड़ जाती है, कारण क्या है? बहुत सारे चाय टपरी वाले, स्टॉल वाले इस बात पे कंप्लेन करते हैं कि हमने चाय लिया, बनाया और काली पड़ गई, ब्राइटनेस नहीं रहा। चलिए इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज का टॉपिक है चाय काली क्यों पड़ जाती है, वाई लीकर बिकम डल्स, डल क्यों होती है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, जो चाय की लीकर है, चाय का जो लीकर्स है, ये डल होने का, डल या उसको ब्लैक बोल सकते हैं, ठीक है, ये डल ब्लैक या फेड होने का कारण मोटा मोटी दो ही का तीन कारण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे बड़ी कारण क्या है आपको देखना पड़ेगा, जो इन्फीरियर मतलब पुअर क्वालिटी की, पुअर क्वालिटी के लीव से जो है, जब इस पुअर क्वालिटी की पत्तियों से अगर चाय बनती है वो काली पड़ जाती है, मतलब पत्तियां लंबी है। दूसरी बात, इस पर फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो डैमेज डैमेज लीव से पत्तियां जो है फूल के जैसे कोमल होती हैं, डैमेज लीव से अगर चाय बनती है फैक्ट्रियों में तो काली पड़ जाती है। देखने में तो काला होगा, देखने में चाय का ग्रेन होगा, काला होगा, गोल होगा, क्लीन होगा, भाई साहब देखने में तो एकदम लगेगा मस्त चाय है, लेकिन जब लीकर बनाएंगे, जब चाय को टेस्ट करेंगे या चाय बना के पियेंगे, आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद वो काली पड़ जाएगी। काली होने का कारण क्या है, उसके अंदर में इन सब चीज़ों से जब चाय बनेगी तो उसके अंदर में क्वालिटी कीपिंग की बात नहीं रहती है। तो डैमेज लिप से चाय बनाएंगे या पुअर क्वालिटी से चाय बनाएंगे, ये चाय अगर ओवर फर्मेंटेड है, ओवर फर्मेंटेड अगर है फैक्ट्रियों में, इससे हो जाएगी, या किसी भी मतलब बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, ये बैक्टीरियल कंटेमिनेशन अगर होता है तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन से भी चाय खराब हो जाती है। कंटेमिनेशन मतलब क्या है, चाय में बैक्टीरियों का आतंक बहुत होता है फैक्ट्रियों में, अगर फैक्ट्रियों की सफाई ना की जाए चाय की पत्तियों को बर्बाद कर देते हैं। तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, पुअर क्वालिटी, डैमेज लीफ, ओवर फर्मेंटेड लीफ, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो है ही गया। आप प्लस एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत कम लोगों को पता है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा तो आप लोग बोलेंगे कि भाई इंडस्ट्री का पर्दाफाश कर रहा है। बात पर्दाफाश करने का नहीं है, बात है क्वालिटी का। देखिए एक है आरपी, इस पे मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। आरपी, आरपी क्या है, रीप्रोसेस, भाई बची हुई जो भी टी वेस्ट वगैरह है, छोटी बड़ी जो गोली गोलियां होती हैं चाय की, फाइबर्स होते हैं जो पैकेबल नहीं हो सकती, उस चाय को क्या करते हैं, बाद में भिगो करके उसको मशीनों में काट के काली काली सुंदर सुंदर दाने बना देते हैं, जिसको रीप्रोसेस बोलते हैं, मतलब फिर से इसको रीप्रोसेस बोलते हैं, मतलब बनी हुई रोटियों को फिर से गर्म कर दो, क्या वैसा टेस्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब एक तरीके से वो गड़बड़ी है। तो रिप्रोसेस टी क्या होगा, इसका इन्फ्यूज़न काला होगा तो चाय भी काली पड़ेगी। तो भाई साहब मैं बोलूँगा कि पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें डिटेल्स में बताया गया इन्फ्यूज़न क्या है और इन्फ्यूज़न का असर चाय पे क्या होता है। इन्फ्यूज़न खराब तो चाय खराब, इन्फ्यूज़न काली तो चाय काली, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चाय काली पड़ने का और भी रीज़न है, फैक्ट्रियों में देखभाल प्रॉपर नहीं होता है, या डैम हो जाता है, या एक्सपायरी डेट की चाय है, या उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है चाय की वो ज़्यादा है, तो वो चाय ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी, वो काली हो जाएगी। तो काली होने का जो कारण है ये मुख्य कारण है, इसके अलावा और भी कारण होते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल लिंक दे रखा हूँ आप लोगों को जानने सीखने के लिए, उस पर ज़रूर क्लिक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री स्टडी करिए, आपको टी टेस्टिंग टर्मोलॉजी के ऊपर में टी टेस्टिंग का एक बुक गिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पे, आप पहले डाउनलोड तो करिए फिर पता लगेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।